तो देखो दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जो मैंने बार बार बोल चुका था, अभी भी मैंने जो है लास्ट वीडियो उसके बारे में बनाया था, यहाँ पे देख लोगे तो ये स्टॉक जो है केमिकल स्टॉक जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है देने के लिए रेडी बैठा है। बस एक लेवल तोड़ने की बारे है, वो बहुत यहाँ तक करीब पहुंच चुका है वो लेवल को तोड़ने के लिए। लेकिन जिस स्टॉक पे मैंने बोला था ये इधर चल रहा था, पहले इधर चल रहा था, लेकिन अब जो है ये बहुत ही यहाँ पे पास आ गया है। जब ये तोड़ देगा इस लेवल को तब आपको यहाँ पे पैसा ही पैसा देखने को मिल जाएगा। फिर शायद आपके पास ये स्टॉक वापस आपको लेने का मौका मिले भी और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे लेने के लिए रेडी है। बस इस स्टॉक का एक लेवल तोड़ने की देर है और ये आपको पैसा ही पैसा बना के दे देगा। मैं आप कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दे। तो यहाँ पे आप देख लो तो ये स्टॉक करीब करीब अभी 84 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, 84 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक जब 10 दिन पहले इस 80 रुपीज़ के आसपास दौड़ रहा था, तब मैंने बोला था कि आपको ये मौका है आप ले लो। फिर उसके बाद ये स्टॉक गया कभी करीब करीब 80 रुपये और 50 पैसे के आसपास, और यहाँ पे आप देख सकते हो 80 रुपीज़ तक भी यहाँ पे टच कर चुका था ये, 79 रुपीज़ तक। लेकिन फिर जो जिस स्टॉक ने जम मारा है यहाँ पे आप देख सकते हो, बस एक दिन में यहाँ पे 79 से लेके यहाँ पे देख सकते हो कितना, 82.95 का जो है यहाँ पे आपको जंप दिखाई दिया था। यहाँ पे आप देख लो 3% तक, यानी सॉरी 4% और 3 रुपीज़ तक का जो है आपको हाइक देखने को मिला सिर्फ एक दिन में, जो कि उसने एक लेवल तोड़ दिया उसी स्टॉक के आसपास का 2 दिन पहले का। यहाँ पे आप देख सकते हो 82.79 का जो है लेवल तोड़ दिया, 82.95 का रख कर दिया। यहाँ पे सेम चीज़ हुई नेक्स्ट डे पे, एक और यहाँ पे हाइक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2% 1.5% के आसपास जो आपको देखने को मिला, और मैंने कब से कब बोला था 80 रुपीज़ के आसपास। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने करीब करीब आपको जो है अभी तक ये 10 दिन में जो है यहाँ पे 5% का रिटर्न दे चुका है। ये बिल्कुल 5% का रिटर्न यहाँ पे एनुअली एफडी में भी नहीं मिल रहा है, उधर आपको इधर बस और बस 10 दिन में आपको जो है मिल रहा है। और ये स्टॉक जो है बहुत अच्छे लेवल से करेक्ट होके आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 123 का जो है यहाँ पे लेवल करेक्ट होके आया है। तो यहाँ पे बस अब चांसेस है कि और यहाँ पे एक जो है नया हाई बनाता हुआ नजर आ जाए। जैसे कि ये स्टॉक का जो हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब ये 65 रुपीज़ पर था फिर वापस जो है यहाँ पे 25 रुपीज़ पर चला गया था, फिर वापस यहाँ पे आप देख सकते हो 67 रुपीज़ के आसपास जो आपको देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लो तो वही 67 का लेवल जो है तोड़ दिया था 85 रुपीज़ जाके यहाँ पे 22 पे, और वही जो है स्टॉक ने वापस 2023 में वो लेवल तोड़ के 123 का जो है यहाँ पे हाई बनाया था। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 वीक का हाई जो है यहाँ पे 135 का जो है यहाँ पे टच कर दिया था, लेकिन क्लोज अमाउंट जो थी वो थी 123। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक हर बार जो है जब नीचे जाता है तब यहाँ पे वापस से एक नया हाई बनाना का जो है यहाँ पे मुकाम हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। जी बिल्कुल, अब ये स्टॉक जो आया था यहाँ पे 10 रुपीज़ के आसपास आया था 2012 में, यहाँ पे अगर तब से अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा होता तो अभी आपको जो है 700% का रिटर्न जो है मिल रहा होता। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे देख लो तो मेरे हिसाब से जो है करेक्ट होकर आया था। यहाँ पे आप देख लो कि 51% जो है यहाँ पे डाउन चला गया था, यहाँ पे थोड़ा अप जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड जो है कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गोल्डन क्रॉस ओवर जो है यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ गया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ स्टॉक का नाम जो है वो क्रेस्ट चेम करके जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये केमिकल स्टॉक है। यहाँ बहुत छोटा मार्केट कैप जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हो रही है उस तरीके से मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है। और एक और बात है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा था लास्ट क्वार्टर में भी। अब ये दिसंबर का क्वार्टर में भी आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2022 से यहाँ पे आप देख लो कि ये स्टॉक जो है बस एक बार जो है दिसंबर 2022 में 0.46 लाख का जो है यहाँ पे आपको 0.46 यानी कि 46 लाख का जो है यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, वही जो है वापस सितंबर 2023 में 0.41 का जो है यानी कि 41 लाख का जो है प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको पिछले 10 साल का डेटा दिखा दूँ तो ये देख सकते हो कभी भी ये स्टॉक जो है 1 करोड़ के ऊपर के प्रॉफिट में नहीं गया। ये बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे देख सकते हो 6 लाख भी नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 6 लाख हुआ है, यहाँ पे देख लो नेगेटिव वापस 14 लाख का जो है यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, वापस 5 लाख यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। फिर देख सकते हो कि यहाँ पे एक जंप आया है कोविड के बाद जो, यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2020 में यहाँ पे 56 लाख का जो है प्रॉफिट, 67 लाख का प्रॉफिट, 75 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे देख सकते हो 82 लाख का प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्रीज ही पिछले कई साल से, पिछले 3-4 साल से जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब यही मार्च 2024 आने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आया भी नहीं है, दिसंबर भी खत्म नहीं हो, दिसंबर का क्वार्टर भी नहीं आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 करोड़ 18 लाख का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हो टिल दिस मंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस यहाँ पे मेरे हिसाब से
जी हाँ बिल्कुल, ये रहा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया 0.41 का जो है यहाँ पे सितंबर में अब यहाँ पे रिजल्ट जो है रख दिया है। अब पिछले का डेटा देख लो तो बहुत रेयर केस में देखने को मिल रहा था, उस हिसाब से एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते थे यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एक्सपेंस भी हुए है और प्रॉफिट भी हुआ है, तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे बैलेंस करती हुई कंपनी, और कंपनी जो है धीरे धीरे यहाँ पे मैनेजमेंट जो है थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो, पहले जो है 2020 में यहाँ पे देख सकते हो 31% की हिस्सेदारी थी, करीब करीब 31, जो कि अब जो है यहाँ पे 32% जो है हो चुकी है, और यहाँ पे अभी भी बाइंग चल रही है। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कंपनी अपने ऑल टाइम प्रॉफिट पे जा रही है, ऑल टाइम प्रॉफिट, यानी कि कभी भी कंपनी ने जो है उतना प्रॉफिट नहीं करा था। कौन सी कंपनी, क्रैश चैम लिमिटेड करके जो कंपनी है यहाँ पे, ये कंपनी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस सेक्टर में जो है यहाँ पे आपको मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम चेन, यहाँ पे देख सकते हो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स इन पाउडर फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अगर कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट पे जाते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फैट पाउडर 50%, ऑयल फैट पाउडर 70%। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है सेम है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो लैक्टोज फ्री स्किम्ड मिल्क पाउडर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रे ड्राइड, यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि जीवन जरूरियात भी माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पाउडर वगैरह भी यूज हो जाता है, मिल्क पाउडर, जब कहीं से भी यहाँ पे आपको जो है मिल्क वगैरह का जो है इमरजेंसी बेसिस पर अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो यूज़ करते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे तो 10 दिन पहले मैंने इस स्टॉक के बारे में बता दिया था, कौन सा प्राइस पे बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 मंथ पैसे रखने के लिए यहाँ पे तिजोरी रख लो, यहाँ पे मैंने बोला था कि नहीं बोला था, यहाँ पे आप देख लो तो 10 दिन पहले मैंने बोला था, कौन से प्राइस पे बोला था, 80 रुपीज़ का प्राइस जो है दौड़ रहा था, तब बोला था मैंने कि यहाँ पे जो है आपको बाई करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 80 रुपीज़ है यहाँ पे, आप देख लो करंट प्राइस 80 रुपीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यही स्टॉक जो है मैंने बोला था 10 दिन पहले यहाँ पे आपको बाई कर लेना था, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिन में आपको पैसा डबल होता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आपको क्या करना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो आपको पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट करें, तभी जाके जो है आपको कोई भी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपको क्वेरी है तो आप कोई भी वीडियो में जाए यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी वीडियो में जाओगे यहाँ पे कमेंट कर दो अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो। थैंक यू।